फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन की दम बिरयानी। इसके लिए हमें चाहिए, मैं यहाँ पर 1.5 kg चिकन ली हूँ, 6-7 गड्डी प्याज की कट कर ली हूँ, और हरा धनिया चाहिए हमें, 2 नींबू चाहिए, और पुदीना चाहिए, और यहाँ पर 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, और गरम मसाला पाउडर है 2 टीस्पून है। आइए हम शुरू करते हैं। हमें चिकन पर यहाँ पर मैं डालूंगी चिकन 65, 2 पैकेट इसमें डालकर मिक्स कर लूंगी चिकन में। थोड़ा सूखा नारियल और टमाटर भी पीस लेना है, मैं बाद में बताऊंगी कितना। इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ी हल्दी भी डालेंगे, इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे। टीस्पून डालेंगे। लाल मिर्च 2 टीस्पून डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं 1-1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालूंगी इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बिरयानी तो सभी लोग बनाते हैं, ये थोड़ी हटकर है मेरी बिरयानी। आप पूरा वीडियो देखिए। थोड़ी देर हम ढक के 10 मिनट इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब हम ये प्याज को तल लेंगे। यहाँ पर हम ऑयल डाल लेंगे। हमारी प्याज रेडी होने तक हम इसको पीस लेंगे। हम यहाँ पर 1 सूखा नारियल लिए हैं और 5 टमाटर लिए हैं, इसको हम पीस लेंगे। ये हमारी प्याज ब्राउन होने लगी है और 1 मिनट हम इसको ऐसे
हिलाते रहेंगे। इसको निकाल कर हम इसमें ऑयल में हम चिकन थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब इसको हम निकाल लेंगे। निकाल चुके हैं, अभी चिकन हम हाफ ऑफ करके इसको थोड़ा लाइट में फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, 5 मिनट लाइट में फ्राई कर लेंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। अब ये जो बाकी बचा है इसको भी हम कर लेंगे। देखिए ये चिकन हमारा हो गया है, अब इसको भी हम निकाल लेंगे। इसी ऑयल में हम ग्रेवी बना लेंगे। यहाँ पर मैं मसाले ली थी, अदरक लहसुन का पेस्ट वो डालेंगे। यहाँ पर मैं गरम मसाला ली थी वो डालेंगे। नारियल पीस लिया था, इसको भी डालेंगे। ये पीस लिए थे, ये सब इसमें मिक्स कर देंगे। इसमें हम थोड़े हरी मिर्च डालेंगे। मिर्च हम लंबी कटी हुई लंबी काट कर डालेंगे। 2 टीस्पून नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून। हाँ, 6 मिर्ची हरी मिर्च हमें डालेंगे हैं। रस निचोड़ देंगे, नींबू का रस हमें इसमें निचोड़ देंगे। और एक नींबू इसमें डाल देंगे।
बिरयानी का टेस्ट और बढ़ जाएगा। इसे पकने दें, पूरा मसाला हम थोड़ी देर पका लेंगे, 6-7 मिनट इसको पका लेंगे और बंद कर देंगे इसे। मैंने यहाँ पर पानी गर्म करने लग दिए है, इसमें मैं थोड़ा सा तेज पत्ता डालेंगे। चिकन के पीस डालेंगे। Yeah.
ऐसी ही मजेदार डिशेस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।